हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हीट इंटॉलरेंस अगर होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ उनको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए जिससे उनको फ़ायदा मिलेगा, ये हम आज बात करेंगे। कई लोग का ऐसा रहता है कि कमरे में पंखा चलता भी रहता है तो भी उनको गर्मी लगती रहती है, कमरे में एसी चलता रहता है तो भी गर्मी लगती रहती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इनफैक्ट ठंड के मौसम में भी उनको कई बार कपड़े पहनना भी मुश्किल हो जाता है कि गर्मी लगती रहती है। तो आज हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों का इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। टिप्स पर तो हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं, खाद्य पदार्थों का इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा और कौन कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे लोग को ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए, क्यों। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत एक्सक्लूसिव है, आपको किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए ज़रूर इस चैनल पर देखिए इसको। आपको हर एक पॉइंट पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये खाद्य पदार्थ किस तरह से फ़ायदा या नुकसान करेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप करके ना देखें। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लेना चाहिए और पानी से भरे हुए प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, जैसे खीरा है, तरबूज है, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंजेस है, ग्रेप फ्रूट है, पाइनएप्पल है, टमाटर है। जो भी खाद्य पदार्थों में हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा मात्रा में लेना है। ऐसा लेने का कारण या करने का कारण ये है कि ज़्यादा मात्रा में जब शरीर में पानी होता है तो वो आपके टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को प्रॉपरली रेगुलेट करता है। बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम काफ़ी हद तक पानी पर डिपेंड करता है। सही मात्रा में शरीर में पानी जाने से आपका टेम्परेचर कंट्रोल मेंटेन रहता है। पानी की अगर कमी हो तो ये स्वेटिंग वाले जो सिस्टम है सब पानी पर डिपेंडेंट होते हैं, जिससे आपका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा सकता है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में पानी लीजिए, 2 से 3 लीटर, और साथ में आपको ऐसे खाद्य पदार्थों को लेना चाहिए जो इनडायरेक्ट वे में पानी दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर खीरा है, तरबूज है, इसमें 80-90% लगभग पानी रहता है और साथ में थोड़ा फाइबर रहता है, तो पानी को रिटेन भी करता है और पानी शरीर में पहुंचाता भी है। तो अगर आप डायरेक्ट पानी नहीं ले सकते, जूस नहीं ले सकते, तो आप ये खाद्य पदार्थों को भी प्रेफर कर सकते हैं, इसमें शरीर का पानी का बैलेंस मेंटेन रहेगा। इसके अलावा जो भी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए वो खाद्य पदार्थ जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन करते हैं, इसलिए जो खाद्य पदार्थों में इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छी मात्रा में रहते हैं, जैसे केला, एवोकाडो, स्पिनाच यानी पालक, स्वीट पोटैटोज, दही यानी योगर्ट, कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी और हरी साग सब्जी, इसमें आपके मिनरल्स अच्छे होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सब ज़्यादा होता है, अच्छी मात्रा में होता है, तो ये बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स का मेंटेनेंस करते हैं। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर प्रॉब्लम हो तो आपको टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम नहीं प्रॉपर काम करेगा और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसके अलावा वो हर्ब्स और स्पाइसेस जो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन करते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में लीजिए, कि मिंट, सिलेंट्रो, बेसिल यानी तुलसी, फेनिल यानी सौंफ, कोरिएंडर यानी धनिया और कार्डमम, इनको अपने खाद्य और पेय पदार्थों में ज़्यादा डालिए, तो इससे आपका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम बेटर रहेगा और गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी। इसके अलावा फाइबर वाले फूड प्रोडक्ट्स जैसे होल ग्रेन्स, दालें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में फ़ायदा करते हैं, इसलिए ज़्यादा फाइबर वाले खाद्य पदार्थ आपको ज़्यादा खाने चाहिए यदि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो। इसके अलावा कुछ हेल्दी फैट्स हैं जैसे फैटी फिशेस, जैसे सैल्मन, मैकरल, ट्यूना फिश, नट्स, सीड्स, एवोकाडोज और ऑलिव ऑयल, इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये भी आपके टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के लिए अच्छे हैं, ये भी आपके लिए हेल्दी है, इसको भी ज़्यादा मात्रा में लेने से गर्मी लगने का प्रॉब्लम बेटर होता है। लीन या फैट फ्री प्रोटीन्स जैसे फिशेज है, टोफू है, सोयाबीन का जो पनीर होता है, इसके अलावा दालें हैं, चने हैं, अंकुरित चीज़ें हैं, सब आपके मसल रिपेयर और ग्रोथ में हेल्पफुल है, इसलिए इन सब चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में लेने से आपका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और ओवरऑल बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है सारे वो बेटर होते हैं। इसके अलावा कुछ हर्बल चाय यानी हर्बल टी जैसे पेपरमिंट, शैमोमाइल, हिबिस्कस, लेमन बाम और जिंजर यानी अदरक की चाय यदि आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये भी आपके ओवरऑल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में मदद करते हैं, इनको भी आपको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा वो खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में है, वो बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इनको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, जैसे संतरा, मौसम्बी, स्ट्रॉबेरीज, कीवीज, शिमला मिर्च, ब्रोकोली, हरी साग सब्जी, नींबू है, ये सारी चीज़ें विटामिन सी में रिच होता है, ये सारी चीज़ें आपका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और इम्यूनिटी में बेटर योगदान देता है, इनको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। ओवरऑल गर्मी के मौसम में आपको लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, यदि ज़्यादा गर्मी लगने का प्रॉब्लम है तो 3-4 लीटर भी पानी पी सकते हैं, जितना ज़्यादा गर्मी हो, जितना ज़्यादा पसीना आ रहा है उतना ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अगर बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो गर्मी ज़्यादा लगेगी ये मान के चलिए, इसलिए आपको पानी ज़्यादा पीना है। लेकिन इसमें क्या चाहिए कि पानी ही पीना है आपको, बहुत ज़्यादा फ्रूट जूसेस या बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी मत लीजिए, फ्रूट जूसेस में शुगर ज़्यादा जाता है जो कि सिस्टम को बिगाड़ता है, तो अगर पानी नहीं अवेलेबल हो तो ही ये लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। सूप्स में भी वही है, नमक बहुत ज़्यादा जाता है जो कि आपके टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को बिगाड़ता है, तो पानी नहीं अवेलेबल हो तो ही लीजिए,
और इसी तरह जो चाय कॉफ़ी है उसमें कैफीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो बॉडी का ब्लड वॉल्यूम को कम करता है, पेशाब बढ़ाता है। तो बॉडी चाय कॉफ़ी अगर आपने 200 ml पिया तो उसके बदले ज़्यादा पेशाब बनेगी, तो इफेक्टिवली बॉडी डिहाइड्रेट ही होगी और आपका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम बिगड़ेगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपने, अगर आपको 1 लीटर पानी पीना है तो 5 या 6 कप आपने चाय पी ली 200 ml की तो हो गया काम, वैसा नहीं होगा। उल्टा वो आपके बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम होगा और गर्मी ज़्यादा लगेगी, तो चाय कॉफ़ी कम ही रखेंगे तो अच्छा है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, हीट इंटॉलरेंस अगर है, तो कौन कौन से हैं बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स जो आपको लेना चाहिए, इसके अलावा वर्स्ट फूड प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और कोल्ड इंटॉलरेंस के लिए बेस्ट और वर्स्ट फूड प्रोडक्ट कौन से हैं, वो भी हमने सेपरेट वीडियोज में डिस्कस किया है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।